देखिए पंचायत आम निर्वाचन 2021, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है, तो पूरे राज्य में 11 चरण चिन्हित किए गए हैं जिसमें कि विभिन्न जिलों में चुनाव किए जाएंगे, कराए जाएंगे 6 पदों के लिए। हमारे ज़िले में सिवान जिला अंतर्गत कुल 10 चरण में होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रथम फेज़ है उसमें हम लोगों का कोई चुनाव नहीं है। सेकेंड फेज़ ऑनवर्ड्स, सेकेंड थर्ड टिल 11th, दूसरे से 11वें तक में हमारे 10 चरण में कुल चुनाव होंगे। कुल 19 प्रखंड 6 पद के लिए यहाँ पे चुनाव होने हैं। तो जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि नए नगर निकाय बनने से पूर्व हमारे ज़िले में 293 ग्राम पंचायतें थीं, तो नए नगर निकायों के बनने और क्षेत्र विस्तार के होने के कारण अब 283 पंचायतें रह गई हैं जिसपे आम निर्वाचन संपन्न होना है। तो इसी हिसाब से यदि देखा जाए तो जो 6 पद हैं हमारे यहाँ, 283 पंचायतें अब चूँकि बची हैं जिसपे चुनाव होना है, तो 283 मुखिया, 283 ग्राम कचहरी पंच, 3889 ग्राम पंचायत सदस्य, 3889 उतने ही ग्राम पंचायत पंच, 41 जिला परिषद, पहले भी 41 ही थे अभी भी 41 हैं, और 395 पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन होना है। 4 पद ऐसे हैं जिसका ईवीएम के माध्यम से होगा और 2 पद ऐसे हैं जिसका बैलेट के माध्यम से निर्वाचन संपन्न होना है। तो जो 4 पद जिसका ईवीएम के माध्यम से होना है वह जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्य, इन चारों पदों के लिए चुनाव M2 मॉडल EVM से होंगे जो कि हमारे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। 2 पद ग्राम कचहरी पंच और सरपंच, ये बैलेट के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा जैसे पहले पंचायतों के चुनाव में होता था, जैसे 2016 में हुआ। तो हमारे ज़िले में कुल 10 चरण में चुनाव होंगे। जो निर्वाचन आयोग का दूसरा चरण जो उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया उसमें हमारा चुनाव कार्यक्रम चालू होगा। तो आप सभी को प्रेस नोट के माध्यम से किस चरण में कौन कौन से प्रखंड आ रहे हैं वो उसकी सूचना मिल भी गई होगी। हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से एक बार आज फ्रेश रूप से आपको दे भी देंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हर चरण में होती है, एक होती है नॉमिनेशन जिस दिन से चालू होता है वो किस दिन तक चलता है नॉमिनेशन, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि होती है वो फिक्स है हर फेज़ की। फिर स्क्रूटनी होती है जिसको समीक्षा बोलते हैं हम लोग, और इसके बाद स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेचर वापस कुछ लोग लेते हैं और फिर लोगों को सिंबल अलॉट होता है और प्रपत्र 9 में कुल कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किस ऑर्डर में उनका बैलेट रहेगा वो डिसाइड होता है। फिर मतदान की तिथि होती है और फिर मतगणना होता है, और मतगणना जैसे जैसे होते रहता है रिजल्ट डिक्लेयर होते जाता है। हमारे ज़िले में हर फेज़ का पोलिंग डेट अलग ही है, ऑब्वियस ही बात है। इसमें जिस फेज़ का अगर हम जैसे मान लिया जाए हम लोग 8वें फेज़ की बात करें तो हमारा पोलिंग डे जो है वो 24 नवंबर है और काउंटिंग 26 नवंबर को हम लोग संपन्न कराएंगे। हालांकि आयोग ने 2 दिन दिए हैं, एक रिजर्व डे है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों का काउंटिंग एक ही दिन में संपन्न हो जाए, और हम लोग तैयारी भी इसी हिसाब से कर रहे हैं। पोलिंग जो होगी वह जान लेने वाली बात है कि सुबह 7 बजे से चालू होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। काउंटिंग सुबह 11 बजे से चालू होगी और सुबह 8 बजे चालू होगी, और इसका कोई एंड टाइम नहीं दिया है कि शाम को 6 बजे तक चलेगी या 7 बजे तक चलेगी, वो हम लोगों के ऊपर फिलहाल डिपेंड करता है। यदि कोई नया निर्देश आता है तो उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। हर फेज़ में नॉमिनेशन स्टार्ट होता है और कई दिनों तक चलता है नॉमिनेशन, लास्ट डे होता है, फिर स्क्रूटनी होता है। उसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 11 बजे से नॉमिनेशन चालू होगा और 4 बजे तक चलेगा, तो 11 बजे से पहले नहीं लिया जाएगा और 4:01 पे भी नहीं लिया जाएगा। मतलब थोड़ा भी विलंब होगा 4 बजे के बियॉन्ड तो उस दिन नहीं लिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, उस दिन के 4 बजे के बाद कोई भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारे ज़िले में कुल बूथ की संख्या यदि देखी जाए तो
कुल बूथ हमारे यहाँ 3,993 हैं। 3,993 में कुछ मूल मतदान केंद्र हैं, कुछ चलंत हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं मिल पाएँ जिस वार्ड में, वहाँ पे हम लोगों ने चलंत बनाया है। कुल 3,993 बूथ हैं हमारे यहाँ जिस पर जहाँ पे मतदान किए जाएंगे, मतदान होगा। पहले जैसे आप सभी लोग अवगत हैं, अभी तक हर प्रखंड में स्ट्रांग रूम बनाया जाता था पूर्व में, उसके बाद वहीं पे काउंटिंग भी होती थी और कई दिनों तक चलती थी बैलेट के माध्यम से। लेकिन हम लोगों ने इस बार इसमें एक जो मेजर परिवर्तन किया है, आयोग का निर्देश भी यही है, क्योंकि अभी ईवीएम हम लोग करा रहे हैं तो समय बहुत बचेगा इसमें, तो अब किसी भी प्रखंड में स्ट्रांग रूम या काउंटिंग नहीं होगी, ये जिला स्तर पर होगी। तो कुल 4 लोकेशन डिसाइडेड है जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनेंगे इन सभी प्रखंड के, और काउंटिंग भी उसी जगह पे होगी। डाइट सिवान सीटीई बिल्डिंग, वीएम हाई स्कूल और डीएवी कॉलेज, ये 4 लोकेशन है जहाँ पे स्ट्रांग रूम की तैयारी चल रही है और काउंटिंग भी वहीं पे होगी। किस प्रखंड का किस जगह पे स्ट्रांग रूम बनेगा और काउंटिंग होगी, ये आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग दे देंगे। लेकिन इन्हीं चारों जगह पे हम लोगों का स्ट्रांग रूम होगा और काउंटिंग भी यहीं पे होगी, और इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयारी की जा रही है जैसे विधानसभा में की गई थी। तो किसी कैंडिडेट को या उसके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की पूरी एहतियात हम लोग अपने स्तर से बरत रहे हैं। जिला स्तर पे 22 तरह के कोषांग बनाए गए हैं जो कि आज की तारीख में फुल्ली एक्टिव है, और इसमें इन लोगों का एक ट्रेनिंग कैलेंडर आज से कल में इशू हो जाएगा, और विधिवत हमारे सभी कोषांगों को ट्रेनिंग मिल चुकी होगी अगले 10 दिन में, और प्रिसाइडिंग अफसर P1 P2 P3 जो एक प्रथा रही है उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि EVM से हो रहा है, पद अधिक हैं, जैसे एक बूथ पे यदि आप देखें तो 4 सेट EVM और 2 बैलेट बॉक्स हम लोग भेजेंगे, तो अमूमन एक EVM और एक VVPAT जाया करता था विधानसभा या लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे 4 सेट EVM जा रहा है। तो यहाँ पे मतदान कर्मियों की ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसीलिए कुछ नए तरीके पोलिंग पर्सनल आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे P3 तक होता था, तो अब P3A P3B P3C अब हमें रिक्वायरमेंट एडिशनल लोगों की है, तो उसको चिन्हित कर लिया गया है, और इनकी ट्रेनिंग भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा नॉमिनेशन फेज़ 1 का जो ख़त्म होगा, फेज़ 2 का कह लीजिए, उसके पहले पहले इन सभी को ट्रेनिंग देके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से इनको अवगत करा दिया जाए। तो हम लोग पूरी तरह से अब पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए रेडी हैं, और समय समय पे मेरा अनुरोध होगा सभी जनप्रतिनिधि या जो भावी प्रत्याशी हैं, यदि कोई समस्या हो तो अपने निर्वाची पदाधिकारी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद के चुनाव के लिए अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और बचे हुए जो 5 पद हैं उसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो उनसे बराबर संपर्क करते रहें, और आपके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें कैंडिडेट्स को या भावी प्रत्याशी जो हैं उनको भी पता लगते रहता है। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रश्नों के माध्यम से जो नई जानकारियाँ हैं वो आपको दी जाती रहें, और नहीं तो कोई अगर समस्या है तो सीधा आके जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो भी मैं होता हूँ मुझसे भी मिल सकते हैं लोग, और मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई सूचना का अभाव किसी को नहीं रहेगा। यदि किसी को कोई समस्या है तो सीधा आके हमसे भी मिल सकते हैं। सर, कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किस तरह से कराया जाएगा इस बार जो जनप्रतिनिधि उनको? देखिए, इसमें कोरोना गाइडलाइंस आई हुई हैं, जैसे थर्मल गन है उसके माध्यम से लोगों की स्क्रीनिंग करनी है, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरह की बातें हो रही हैं, और ये चीज़ें और कोडिफाइड मैनर में लिखित रूप से और प्राप्त होंगी, तो हम लोग उसका अनुपालन भी हम लोग करा लेंगे। लेकिन अभी पोलिंग बूथ पर कैसे तैयारी होनी चाहिए पोलिंग डे के लिए, उसके लिए अभी एक्चुअली काफ़ी दिन है, तो जैसे जैसे गाइडलाइंस हमारे पास आते रहेंगी उस तरीके से हम लोग उसको निर्देश देते रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे आप नए गाइडलाइंस को देख रहे होंगे, अनलॉक फेज़ में हम लोग हैं, सारे दुकान सारे प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी पर बैठने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किस तरह का रिस्ट्रिक्शन और लगा सकती है निर्वाचन आयोग वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वोटर्स के ऊपर छोड़ा गया है,
कि वो खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जैसे मास्क है आज की तारीख में सभी के पास है तो वो खुद लगा के पहुँचे हैं। यदि किसी को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो अभी भी जैसे काफ़ी समय है पहला पोलिंग डे के बीच में, तो वैक्सीन ज़रूर ले लें। तो ये कह लीजिए कि कोविड गाइडलाइंस का प्रोटोकॉल हम लोगों की तरफ से ज़्यादा एनफोर्स करने से बढ़िया है, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग ही ज़्यादा अभी उसको उसका पालन करें, क्योंकि चूँकि सारी चीज़ें मतलब जब खुल गई हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करने की उनके ऊपर आ गई, ना कि हम लोग ज़्यादा एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप लोग और उसका पालन करें, क्योंकि थर्ड वेव भी उसकी बातें काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं, तो लोगों के ऊपर काफ़ी हद तक ये दारोमदार है कि इसका पालन करें। थैंक यू सर। तो जो 4 EVM लगेगा और ग्रामीण इलाके के एक तो स्वीप प्रोग्राम जो होता है, ये EVM का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पे 2014-15 लोकसभा विधानसभा में किया गया था। VVPAT पूरी तरह से अब लोग यूज़ करते हैं, तो 2 विधानसभा चुनाव जो हाल फिलहाल में हुए हैं उसमें व्यापक पैमाने पे स्वीप प्रोग्राम चलाया गया है। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं जो EVM कैसे इस्तेमाल होता है या उसके इस्तेमाल को नहीं जानते हैं, जिन्होंने वोटिंग नहीं किया वही नहीं जानते हैं बस आज तक। तो एक तरह से उसमें हम लोग जल्दी ही रूट चार्ट बना के उसको पंचायतों में हम लोग उसका प्रयोग कैसे किया जाए जैसे हम लोग विधानसभा में करते हैं, इसमें भी हम लोग करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि ये EVM से करीब 5-6 साल से चुनाव हो रहा है तो काफ़ी लोगों को पता है, ये परहेज नहीं है लोगों में विधानसभा, लेकिन ये सेंसिटाइज किया जाएगा। इसके लिए भी ना एक प्रॉपर प्रोग्राम आया हुआ है, बताया गया है कि बूथ में जो EVM हमें रखने हैं वो किस क्रम में रखना है। तो जैसे विधानसभा में प्रॉपर एक क्रम होता है कि हम जब उसके अंदर क्या कहते हैं बूथ के अंदर घुसते हैं तो बाएं हाथ पे कौन दिखेंगे, P1 दिखेंगे कि प्रिसाइडिंग दिखेंगे, मशीन कहाँ रखी रहेगी, उसकी रिलेटिव लोकेशन जो होती है बूथ पे। इसी तरीके से इसमें भी आया हुआ है हम लोगों के पास एक प्लान कि हमें बाएं हाथ पे यही वार्ड मेंबर की BU मिलेगी, उसके जस्ट बगल में हमको जिला परिषद सदस्य की मिलेगी, मतलब उसका एक प्रॉपर ऑर्डर आया हुआ है। इसको हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार कर देंगे जिससे कि लोगों को पता हो अंदर घुसने से पहले। साथ ही साथ वहाँ प्रिसाइडिंग अफसर से पूछ भी सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे जो पर्सनल एडिशनल दिए गए हैं, जैसे पहले प्रिसाइडिंग P1 P2 P3 हुआ करता था, तो इस पंचायत चुनाव में प्रिसाइडिंग P1 P2 P3A P3B P3C दिए गए हैं। और ये ABC जो दिए गए हैं ना, ये बेसिकली इसी इशू का एड्रेस करने के लिए दिए गए हैं। जो सी है वो खाली बैलेट जो है, बैलेट के माध्यम से 2 पद का हो रहा है, तो वो बैलेट के बारे में पूरी जानकारी देगा और वो बैलेट पेपर से वो मतदान करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। जो 3B है वो 2 EVM को हैंडल करेगा, 3A है जो वो 2 EVM को हैंडल करेगा। तो वहाँ पे एडिशनल मैन पावर दिया गया है, किसी को कन्फ्यूजन है तो उनसे पूछ ले कि वैसे तो ऑर्डर फिक्स है, इनकी बात भी सही है कि जब कागज़ पे तो है लेकिन लोगों तक ये बात पहुँच रही है कि नहीं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये पहुँचे, आप लोग अपने माध्यम से भी पूरा प्रयास करें, नहीं तो वहाँ पे एडिशनल लोग रहते हैं, नए रिसोर्सेज लगाए गए हैं, कोई कन्फ्यूजन है किसी को भी कौन सा मशीन किस पद के लिए है वो वहाँ पूछ सकते हैं, चलाएंगे। इस चीज़ का बिल्कुल अवेयरनेस किया जाएगा कि 6 पद हैं, 4 पद के लिए EVM से होगा, EVM को कैसे हैंडल करें। वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम लोग कर रहे हैं, जो प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे तो वैसे बूथ को हम लोग सेंसिटिव या वल्नरेबल घोषित करेंगे और उस पर हम लोग एडिशनल फोर्स भी लगाएंगे, और उसके लिए पहले से हम काफ़ी एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। वो सारा चीज़ फिक्स हो चुका है, 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, लोगों को ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि किसी भी जो वर्तमान मुखिया है उसके घर से 100 मीटर के अंदर नहीं हो। इस तरह का कुछ कुछ गाइडलाइंस आए थे उसका पालन करते हुए हम लोग वो कर चुके हैं, ये समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो फीडबैक का सोर्स है, यहाँ गलत हो सकता है या गलत हो रहा है, ये काफ़ी हद तक लोकल फीडबैक पर डिपेंड करता है। आम आदमी आके बताता है कि साहब वो देखिए उस टोले से 200 लोग हैं, उनको बूथ तक आने में ये 4 व्यक्ति रोक टोक करते हैं, ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग का पार्ट है। उसमें ऐसी सूचना अगर मेरे पास ला के देते हैं या RO को लेके देते हैं वीडियो के यहाँ जो कि RO हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग में उसको ऐड किया जाएगा, उस मोहल्ले टोले में अलग से सेंसिटाइज किया जाएगा, लोगों को आश्वस्त किया जाएगा कि इस तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप लोग एकदम बिना भय के जाके आराम से वोट करें। हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि लोग इस तरह के
बहकावे में नहीं आए और कोई थ्रेट नहीं हुआ ऐसे लोगों अभी चिन्हित किया जा रहा है। देखिए अभी वैसा कुछ नहीं है, लास्ट ईयर आपको याद होगा विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा पानी उस तरफ आया था, महाराजा अनुमंडल में कुछ बूथ था ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं निकलेगा लेकिन इवेंचुअली पानी निकल गया था वहाँ पे, इतना पानी आने के बाद भी अभी वैसी कोई समस्या नहीं है। और पहला पोलिंग डे जो है हम लोगों का अभी ये अभी इसमें भी लगभग एक महीने से अधिक है, तो मानते चल रहे हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। देखिए ये सतत प्रक्रिया है, खाली नल जल का ही नहीं है ये, यदि कोई जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत में अपना अपने कार्यों का वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तो 18-5 की कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं कार्रवाई के लिए प्रेषित करने के लिए 18-5 की कार्रवाई करते हैं। खाली नल जल ही नहीं है, कोई भी योजना जिसमें मुखिया का रोल होता है या जनप्रतिनिधि का कोई रोल होता है तो वो पंचायती राज एक्ट का ही पार्ट है ये। तो अब ऐसा कोई बहुत गंभीर समस्या मिलेगी या उनके द्वारा ऐसा कोई समस्या उत्पन्न की जाएगी तो हम लोग बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे, उसका प्रस्ताव भेजेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ परिसीमन रहा हो, लोगों ने ही आके रिक्वेस्ट किया कि हमारा हम लोग इस नगरी क्षेत्र में अब आ गए तो हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे, फिजिकली यहाँ पे हैं लेकिन वोट मतलब उनका जो वोटर लिस्ट में नाम उस तरह था तो वोटर शिफ्ट करने की बात हुई है, जो लोग फिजिकली ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं तो उनका उनको वोटर लिस्ट में शिफ्ट किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में। अब उनको सेंसिटाइज देखिए बीएलओ के माध्यम से होता है ये चीज़, तो अगर ये वोटर लिस्ट है वीडियो बीएलओ के माध्यम से ये वोटर पर्ची वगैरह भी दी जाएगी ना, इन सबको पर्ची दी जाएगी। और हम लोग अभी एक दो दिन में आपका सुझाव बढ़िया है, एक सुझाव भी है बल्कि आपके इस प्रश्न में कि कौन कौन से ग्राम पंचायत क्षेत्र में अब चुनाव होने हैं ये स्पष्ट रूप से, वैसे तो हम लोग बजट प्रकाशन हम लोग अपने NIC पर कर दिए हैं लेकिन उसको कितने लोग पढ़े होंगे कितने लोग जागरूक होंगे उस चीज़ को लेकर, लेकिन हम लोग उस कम से कम क्षेत्र को अलग से हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से दे देते हैं कौन कौन सा क्षेत्र कटा है और नगर पंचायत में गया है, मतलब कौन लोग वोट नहीं कर पाएंगे इस चुनाव के लिए, ये हम लोग स्पष्ट रूप से दे देते हैं।